हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को यू भी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथ करने में, मजबूत करने में मददगार साबित होती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, जिस वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और बार बार जो रोग होते हैं या फिर जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे रोगों से आप लोगों को एक मजबूती प्रदान करती हैं या फिर आपको इम्यूनिटी प्रदान करती हैं कुछ ऐसी चीज़ें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी को एक तरह से देखा जाए तो इम्यूनिटी हमारे बॉडी की पूरी फंक्शनिंग है। अगर कहीं पर को भी इम्यूनिटी में कुछ भी कमी आएगी तो आपकी पूरी बॉडी हार्मोनी में नहीं चलेगी, यानी कि कुछ भी उस पर विकार आएगा तो आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी, आपको रोग होने लगेंगे। इस वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी भी मजबूत होगी उन लोगों में रोग नहीं होंगे। अब मैं बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती हैं। कुछ बातें, जैसे पहली बात है क्विट स्मोकिंग। जो लोग भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में इम्यूनिटी काफ़ी वीकर देखने को मिलती है। जो लोग भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। ये प्रूव भी हो चुका है, काफ़ी रिसर्चर ने इसमें खोज करी है कि इम्यूनिटी हमारी सिगरेट स्मोकिंग से वीक होती है। जो लोग भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है और उनके लंग्स में वैसे भी दिक्कतें बढ़ती हैं। तो अभी जब कोरोना वायरस इतना पैंडेमिक हो रखा है तो कोरोना वायरस की कंडीशन में भी सबसे ज़्यादा असर हमारे लंग्स को ही पड़ रहा है, और उनमें भी जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते थे सबसे ज़्यादा असर उन लोगों को ही पड़ रहा है। तो ये सही समय है आप सभी के लिए, जो लोग भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ने का, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग अच्छी नहीं है और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी वीक करती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वीक करती है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगा, फल फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें। जो लोग भी फल फ्रूट अच्छे से खाते हैं, अच्छे से लेते हैं, उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो विटामिन्स हो या फिर मिनरल्स हो, बहुत अच्छी मात्रा में हमको फ्रूट से मिलते हैं। और हरी सब्जियाँ बहुत अच्छा सोर्स होती है हमारे मिनरल्स के लिए और विटामिन्स के लिए। इसी के अलावा तीसरी एक और अच्छी बात बताना चाहूँगा मैं आप सभी लोगों को, जो लोग भी रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों की इम्यूनिटी पावर थोड़ा स्ट्रांग देखने को पाई जाती है। इस वजह से मैं आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है पर अभी भी घर पर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना नहीं भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। और उन लोगों में इम्यून स्ट्रांग देखी जाती है, इम्यून, जो लोग एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। इसी के अलावा अपने वेट को मेंटेन रखें। जो लोग भी अपने वेट को मेंटेन रखते हैं उनकी इम्यूनिटी पावर इन कंपैरिजन जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों से अच्छी देखने को मिलती है। इस वजह से मोटापा बीमारी की जड़ होती है, ये आमतौर पर कहा ही गया है और ये सत्य भी है। जिन लोगों की मोटापे से जो लोग भी मोटापे से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की इम्यूनिटी कम देखने को मिलती है। इसी के अलावा गेट एडिक्वेट स्लीप, यानी कि स्लीप प्रॉपर लें। जो लोग भी नींद अच्छे से नहीं लेते हैं, जिन लोगों की भी नींद पूरी नहीं होती है उन लोगों की भी इम्यूनिटी पावर कम देखने को मिलती है और वो लोग भी अक्सर बीमार पड़ते हैं। इस वजह से जो लोग भी अच्छे से नींद नहीं लेते हैं उन लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप अच्छे से नींद लेने की कोशिश करें। जितने भी घंटे आप लोगों को सफिशियंट लगे, 6-7 घंटे, उतना आप नींद प्रॉपरली लें, ज़्यादा देर तक ना जगें, क्योंकि नींद का भी हमारी इम्यूनिटी पर खासा असर पड़ता है। इसी के अलावा कुछ छोटी छोटी एडवाइजेज जो इन्फेक्शन से रोकने के लिए हमको बताई जाती हैं, जैसे कि अभी एडवाइजरी भी जारी हो रखी है, अपने हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक धोना है सैनिटाइजर से या फिर जो भी आपका सोप है या फिर हैंड वॉश से अपने हाथों को अच्छे से धोना है। ये भी हमारे इन्फेक्शन को होने से रोकता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी के साथ साथ मास्क का उपयोग करना है। मास्क का उपयोग करने से भी इन्फेक्शन नहीं होगा और आप एक तरह से इम्यून रहेंगे किसी भी बीमारी के लिए। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक और छोटी सी बात बताना चाहूँगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि 65 साल से जो भी लोग भी ऊपर है या फिर 60 साल से जो लोग ऊपर है उन लोगों में कोरोना वायरस या फिर कोई भी बीमारी हो वो ज़्यादा देखने को मिलती है, या फिर लंग्स की बीमारी हो या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, ये लोग ज़्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, इन लोगों की ये बात सत्य है, क्योंकि इन लोगों में टी सेल्स कम देखने को मिलती है जो हमारी फाइट करती हैं इन्फेक्शन से। जो हमारी थाइमस सेल होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, वो एट्रोफी होने लगती है उसकी। इस वजह से ये लोग इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं और इनकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इसी के अलावा बोन मैरो भी कम काम करने लगती है। इस वजह से
इन लोगों में इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिन लोगों की भी उम्र 60-65 साल से ऊपर होती है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर अपनी बहुत सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, उन लोगों में तो और ज़्यादा ये दिक्कतें देखने को मिलती है। इसी के अलावा एक और बात बोलना चाहूँगा, जो लोग भी अच्छे मन से नहीं रहते हैं, यानी कि जो खुश मिजाज नहीं रहते हैं, जो चिड़चिड़े रहते हैं, उन लोगों में भी अक्सर देखा जाता है कि वो ज़्यादा रोग से सफ़र करते हैं। इस वजह से हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुशी रखें, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, क्योंकि सर्च में ये भी पाया गया है कि जो लोग भी खुश मिजाज होते हैं वो लोग कम इन्फेक्शन या फिर कम बीमार पड़ते हैं। अब ये तो थी कुछ जनरल बातों की। अब मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। जी हाँ, मैं आज फिर से आप सभी लोगों को एक बार बार फिर से बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मदर टिंचर्स हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बूस्ट करती है, जो हमें रोग से लड़ने में काबिल बनाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमारी मजबूत करती है। कुछ दवाइयाँ जैसे टीनोस्पोरा, एविना सटाइवा, ऑसिमम कैन, जस्टिशिया थोड़ा, इसी के अलावा और भी मदर टिंचर है जैसे साइनाडोन, डेक्टाइडिलोन, अजाइटा इंडिका, इचिनीसिया, ये बहुत अच्छे अच्छे मदर टिंचर हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। पर मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को या फिर अपने नज़दीकी आपका जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन है उनको दिखाने के बाद ही इन मेडिसिन का सेवन करेंगे और उनकी सलाह के अनुसार ही इन दवाइयों का सेवन करेंगे। ये तो थी कुछ जनरल बातें और कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। दोस्तों, सावधानी बरतें, कोरोना वायरस का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने घरों पर रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।